गुड मॉर्निंग सभी को। सेल एवं बैटरी का आज 9th क्लास है, 9वां क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में और एक सेल होता है लिथियम सेल, तो वो द्वितीयक सेल में लिथियम सेल हम आपको बाद में बताएंगे रिवीजन के टाइम में। अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे, सेलों का समूहन पढ़ेंगे, कैसे सेलों को जोड़ा जाता है, किसके लिए जोड़ा जाता है, उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेलों का समूह, सेलों का समूह, सेलों का समूह किस प्रकार से सेलों को जोड़ते हैं, ये चीज हम लोग जानें सीखेंगे। हम लोग शुरू में जो ऐसी थ्योरी था उसमें हम लोग पढ़े थे रजिस्टर का समूह। इस तरह रजिस्टर होता था, ठीक है, इसको जो है हम लोग जोड़ना सीखे थे। एक जो होता था वो क्या होता था, इस प्रकार से ये पैरेलल क्रम में और ये जो क्या है श्रेणी क्रम में, तो ये तो रजिस्टर था, ये आर था, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था ऐसी थ्योरी में कि किस प्रकार के सेल रजिस्टर को जोड़ते हैं और श्रेणी में जोड़ने पर क्या होता है, समानांतर में जोड़ने पर क्या होता है और मिश्रित क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। तो सेलों को भी हम लोग तीन क्रम में जोड़ सकते हैं, तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। सेलों का समूहन हम लोग जो है तीन तरीके से कर सकते हैं। एक को तो हम लोग श्रेणी में करेंगे, एक को श्रेणी जिसको सीरीज सीरीज, दूसरा को तो हम लोग समानांतर समानांतर पैरेलल और मिश्रित मिश्रित मिक्स, तीन तरीके से हम लोग जो है सेल को समूहन करते हैं और तीन तरीके से इसको हम लोग उपयोग करते हैं। जब क्या है श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये सेल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से जब जोड़ते हैं, ठीक है, और इसी में कोई हम लोग जो है लोड जोड़ देते हैं तो ये जो क्रम कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो है बढ़ेगा, यानी कि टोटल ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर, ठीक है, टोटल जो ई बराबर क्या होगा, जो ई बराबर होगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री होगा। जैसे मान लीजिए ई वन है, ये ई टू है, ये ई थ्री है, ये ई फोर है, ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर, ठीक है, यहां नहीं लिख करके हम बगल में लिख देते हैं। सेलों का समूह है, यहां E बराबर क्या, E बराबर E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, डॉट डॉट डॉट, जितना बैटरी जोड़ेंगे उतना क्या होगा वोल्टेज जो है बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे हम लोग ये पेंसिल बैटरी लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से टॉर्च का बैटरी हम लोग लेते हैं,
फिर एक और जोड़ देते हैं, ये एक और जोड़ देते हैं, तीन जोड़ देते हैं, तो तीनों क्या रहता है 1.5 वोल्ट का एक रहता है, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट। जब तीनों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो जो यहाँ वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा, E बराबर क्या मिलेगा, 1.5 + 1.5 + 1.5, यानी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 4.5 वोल्ट का ये जो है बैटरी बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट का ये बैटरी बन जाएगा। इसी प्रकार और जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता हो, कम करंट की आवश्यकता, वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम की आवश्यकता हो, तब हम कैसे, तब हम उसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखें। समानांतर क्रम में कैसे, समानांतर क्रम में एक बैटरी मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा ऐसे है, ये सभी को समानांतर में हम जोड़े और इसके पैरेलल में हम लोग जो है लोड को जोड़ दिए, रेजिस्टेंस को जोड़ दिए। ये है E1, ये है E2, ये है E3। तो ये क्या होगा, अगर सभी वोल्टेज बराबर है, अगर E1 बराबर E2 बराबर E3 ये चीज़ है, तो E बराबर भी, यानी कि जो E बराबर होगा, ठीक है, वे दिख रहे हैं ना, या जो E बराबर होगा, E बराबर E1 बराबर E2 बराबर E3, ये सभी क्या होगा, ये सभी आपस में बराबर होगा, यानी कि वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समानांतर क्रम बैटरी को वहां जोड़ेंगे जहां हमें वोल्टेज जितना है उतना ही आवश्यकता है और करंट ज्यादा जरूरत है, तो हम उसको जो है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जब दोनों की आवश्यकता हो, वोल्टेज और करंट दोनों ज्यादा करने की आवश्यकता हो, तो हम लोग इसको मिक्स क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग मिक्स क्रम में जोड़ेंगे। ये चीज है बैटरी का समूह, बैटरी को कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर था, बैटरी को इस प्रकार से जोड़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि बैटरी जो है कितने घंटे तक कैसे चलेगी, कैपेसिटी ऑफ बैटरी देखते हैं, बैटरी की क्षमता, ये चीज समझ गए। सेलों का समूहन कैसे कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं और मिक्स क्रम में करते हैं। सीरीज में वहां करते हैं जहां वोल्टेज में ज्यादा जरूरत हो, जितना सीरीज में जोड़ते जाएंगे वोल्टेज उतना बढ़ते जाएगा। समानांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, I1 = I2 I = I1 + I2 + I3 ... इसी तरह हो। मिक्स क्रम में जब दोनों बढ़ाना हो, वोल्टेज भी और करंट दोनों बढ़ाना हो, तो हम लोग मिक्स क्रम में जोड़ते। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी,
कैपेसिटी ऑफ बैटरी किसमें मापते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैसे मापते हैं, वो हम लोग एम्पियर आवर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एम्पियर आवर में मापते हैं, एम्पियर आवर एएच। बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर आवर में मापा जाता है, एम्पियर घंटा में मापा जाता है, ठीक है। यानी कि एएच जो क्षमता होगी वो एएच में मापी जाएगी। एएच मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी बराबर हम लिख सकते हैं जितना एम्पियर का है, कितना एम्पियर है और कितना घंटा चलेगा। एम्पियर गुने घंटा यानी कि एएच, एम्पियर आवर, यही चीज होता है। जैसे इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कैसे आता है, न्यूमेरिकल में है कोई भी जो है बैटरी 5 एम्पियर का है, ठीक है, 15 घंटे विद्युत की क्षमता है, उसको 5 एम्पियर 7.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्राप्त की जाए तो बैटरी कितने घंटे चलेगी। कहता है एक बैटरी है, क्या है, एक बैटरी है जिसकी जिसका क्या है, जिसका लिखा हुआ है 5 एम्पियर और लिखा हुआ है 15 घंटे तक प्रदान करता है। 5 एम्पियर कितने घंटे तक? 15 घंटे तक प्रदान करता है। यदि हम 7.5 एम्पियर ले लें करें तो कितनी देर तक चले, कितनी देर तक चलेगी। बैटरी में लिखा हुआ है 5 एम्पियर और 15 घंटे, या 5 एम्पियर अगर लेते हैं तो 15 घंटा तक बैटरी चलता है, उसी को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो कितना चलेगा, तो ज्यादा करंट लेंगे तो कम चलेगा। तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना आता है, एम्पियर गुणे घंटा, एम्पियर कितना है 5, घंटा कितना है 15, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 75 एम्पियर आ, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है टाइम, टाइम निकालना है तो कैपेसिटी को हम लोग किससे भाग दे देंगे, कैपेसिटी को एम्पियर से भाग दे देंगे, ठीक है, एम्पियर से भाग दे देंगे। कैपेसिटी कितना है 75 एम्पियर आवर, ठीक है, और धारा कितना ले रहे हैं 7.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे क्या होगा 10 घंटे तक चलेगा, 10 घंटे आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये बैटरी की कैपेसिटी रहती है एम्पियर आवर। पहले कह रहा है कि बैटरी जो है 5 घंटे 5 एम्पियर 15 घंटे तक प्रदान करता है। 5 घंटे में कितना एम्पियर, 5 एम्पियर कितना घंटे तक चलता है 15 घंटे तक। अगर हम क्या करें 7.5 एम्पियर लेने लगे, 7.5 एम्पियर लेने लगेंगे तो बैटरी क्या होगा जल्दी खत्म होगी, तो कितना जल्दी खत्म होगी, यानी कि सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लेंगे 15 75 एम्पियर और उसके बाद टाइम निकालने के लिए कैपेसिटी को एम्पियर से भाग दे देंगे, वो 10 घंटा हो जाएगा। अब कहेंगे बैटरी को हम शॉर्ट कर दें, बैटरी है एगो तार यहाँ से लेंगे और यहाँ से यहाँ कर देंगे तो बैटरी क्या होगा, कितना देर चलेगी, तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। क्यों तुरंत समाप्त होगा, क्योंकि कोई भी एम्पियर आवर आएगा या एम्पियर जो आएगा वो इंफिनिटी आएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो एम्पियर कितना जाएगा, एकदम पगला के जाएगा पूरा इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी जाएगा तो 0 मिनट 0 घंटा कम 0 घंटा में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एम्पियर आवर, इसको आप नोट कर लें, न्यूमेरिकल में नोट कर लें। इसी प्रकार आप यहाँ बदल बदल करके 10 एम्पियर 10 घंटा, तो 5 एम्पियर लेंगे कितना घंटा चलेगा, 5 एम्पियर 20 घंटा तो हम लोग 3 एम्पियर लेंगे कितना देर तक चलेगा, ठीक है, 5 एम्पियर 50 घंटा तो हम लोग
10 एम्पियर लेंगे तो कितना चलेगा। इस प्रकार से अपने से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इस प्रकार से बैठा सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जो आपको हम नहीं बताए, एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी, ये बताएंगे बाद में ये क्या होता है जेड आई टी बराबर। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कैपेसिटी बराबर एम्पियर आवर, चलिए आप लिख लिए होंगे। और मुश्किल से इसमें दो क्लास या तीन क्लास होगा, जिस दो क्लास और तीन क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो और तीन क्लास में हम लोग बैटरी को मापने की सीखेंगे तरीके, कितने तरीके से हम लोग माप सकते हैं और बैटरी को चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, चार्जर कैसे बना सकते हैं हम आपको बताएंगे, आप घर में भी चार्जर बना सकते हैं। तो किस किस मेथड से बैटरी को चार्ज किया जाता है और उसको चार्ज जब हो गया तो उसको नापा कैसे जाता है, आप लोग देखे होंगे बैटरी जहाँ चार्ज होता है इस प्रकार से कांच का एक बिठाते हैं। इस प्रकार से देखे होंगे एक रबड़ का इस तरीके से बना हुआ रहता है यहाँ, और ये कांच का रहता है, ठीक है, कांच का बना हुआ रहता है और ये इस प्रकार से रहता है। यहाँ नामिंग क्या हुआ रहता है, यहां से करके दबाते हैं हम लोग और बैटरी में डालते हैं, बैटरी का पानी क्या होता है ऊपर तक आता है और इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि 2.2 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है या कितना है, ये यहीं से नाप लेते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर बोलते हैं। कैसे मापते हैं, क्यों मापते हैं, क्या चीज़ मापता है, इस चीज को हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।